दोस्तों गवर्नमेंट जॉब की तैयारी और उसकी जानकारी के लिए हमारे वेबसाइट और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो ताकि सभी लोगों को ये जरूरी मैसेज मिलता रहे। जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है एग्जाम में पूछे जा सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन, तो चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के खोजकर्ता कौन है? ऑप्शन है कैवेंडिश, प्रिस्टले, लेवाइजर या यूरी। तो सही आंसर होगा ए, कैवेंडिश। ठीक है, नेक्स्ट है, किस तत्व को रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है? ऑप्शन है कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। तो सही आंसर होगा डी, हाइड्रोजन। कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है? ऑप्शन है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन। तो सही होगा आंसर बी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे है आपका फोर्थ नंबर क्वेश्चन, सामान्यतः निम्न में से किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? ऑप्शन है हाइड्रोजन, मीथेन, प्राकृतिक गैस या इथेनॉल। तो सही आंसर होगा ए, हाइड्रोजन। नेक्स्ट है, वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार दोनों एक समान होता है? ऑप्शन है हाइड्रोजन, लिथियम, ऑक्सीजन, क्लोरीन। तो सही आंसर होगा ए, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक है और परमाणु भार है दोनों एक समान है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के समस्थानिक की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 2, 3, 4 या 5। तो सही आंसर होगा बी, 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जब रक्त तप्त लोहे के ऊपर भाप गुजारी जाती है तो कौन सी गैस प्राप्त होती है? ऑप्शन है जल गैस, प्रोड्यूसर गैस, हाइड्रोजन गैस या ऑक्सीजन गैस। तो सही आंसर होगा सी, हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन का अवशोषण करने वाली धातु कौन सी है? ऑप्शन है रेडियम, प्लेटेनियम, वैनेडियम या प्लेडियम। तो सही आंसर होगा डी, प्लेडियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयतन के अनुपात में जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? ऑप्शन है 1:8, 2:1, 1:2 या 8:1। तो सही आंसर होगा बी, 2:1। नेक्स्ट है, भार के अनुपात में जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? ऑप्शन है 1:8, 8:1, 1:2 या 2:1। तो सही आंसर होगा ए, 1:8। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शुद्ध जल होता है अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा सी, उदासीन। शुद्ध जल कैसा होता है? उदासीन होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन है आपका 2, 7, 9, 14। अगर आपको आंसर मालूम है तो आंसर जरूर कीजिएगा। तो सही आंसर होगा बी, 7। ठीक है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? ऑप्शन है 100 डिग्री सेल्सियस पे, +4 डिग्री सेल्सियस पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे या -4 डिग्री सेल्सियस पे। तो सही आंसर होगा बी, 4 डिग्री सेल्सियस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल की अस्थायी कठोरता किसके कारण होती है? तो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं बताऊँगा, डायरेक्ट इसका आंसर में बता देता हूँ, आंसर होगा ए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? आंसर होगा सी, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट के कारण। भारी जल की खोज किसने किया था? तो सही आंसर होगा 16 का बी, एच यूरे ने खोजा था भारी जल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी जल का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? तो D2O है। ठीक है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड भारी जल का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी जल का अणुभार कितना होता है? ऑप्शन है 18, 20, 22, 24। तो सही आंसर होगा बी, 20 होगा। ठीक है, 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी जल एक प्रकार का क्या है? शीतलक है, मंदक है, अयस्क है या ईंधन है? तो सही आंसर होगा बी, मंदक है। ठीक है, ओके, ब्लीचिंग में प्रयुक्त होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, अजैलिक अम्ल, हाइड्रोजन परऑक्साइड, भारी जल। तो सही आंसर होगा क्या? सी, हाइड्रोजन परऑक्साइड। ठीक है, पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने में काम आता है कौन सा अम्ल? तो ऑप्शन है सल्फ्यूरिक अम्ल, अजैलिक अम्ल, हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो सही आंसर होगा 21 का सी, हाइड्रोजन परऑक्साइड अम्ल। ठीक है, कार्बन है एक, क्या है कार्बन? धातु है, अधातु है, उपधातु है या यौगिक है? तो सही आंसर होगा बी, अधातु।
अधातु है कार्बन। नेक्स्ट है हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक यौगिक निम्नलिखित में से किस तत्व द्वारा बनाए जाते हैं। ऑप्शन है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन या सिलिकॉन। तो सही आंसर होगा दोस्तों सी, कार्बन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन है, वह गुण जिसके कारण एक ही तत्व कई रूपों में पाया जाता है क्या कहलाता है। ऑप्शन है बहुलीकरण, समभारिक, समस्थानिक या अपरूपता। तो सही आंसर होगा 24 का डी, अपरूपता। ठीक है, तो हीरा और ग्रेफाइट किसके अपरूप हैं। ऑप्शन है आपका सिलिकॉन, सेलिनियन, कार्बन या टिन। तो सही आंसर होगा सी, कार्बन। कार्बन के अपरूप हैं हीरा और ग्रेफाइट। प्रकृति का कठोरतम पदार्थ कौन सा है। ऑप्शन है हीरा, प्लेटिनियम, चांदी या लोहा। तो सही आंसर होगा ए, हीरा। हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है। शुद्धता, भार, द्रव्यमान या घनत्व। तो सही आंसर होगा 27 का सी, द्रव्यमान। ठीक है, पेंसिलिन में प्रयुक्त काला सीसा क्या है, ब्लैक लीड जिसे कहते हैं, हीरा, ग्रेफाइट, ग्रेनाइट या कार्बन ब्लैक। तो सही आंसर होगा बी, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का यूज किया जाता है पेंसिल बनाने में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है। ऑप्शन है हीरा, एंथ्रासाइट, ग्रेनाइट या ग्रेफाइट। तो सही आंसर होगा डी, ग्रेफाइट। ठीक है, नेक्स्ट है शुष्क सेल की धनात्मक छड़ होती है तांबे की, कार्बन की, जस्ते की या पीतल की। तो सही आंसर होगा बी, कार्बन की। कार्बन की होती है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में है। 31 नंबर क्वेश्चन है, भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है बॉक्साइड, सल्फर, फास्फोरस या ग्रेफाइट। तो सही आंसर होगा 31 का डी, ग्रेफाइट। ठीक है, नेक्स्ट है रेडियो कार्बन डेंटिंग से किसका निर्धारण होता है। ऑप्शन है मानवों की आयु का, पृथ्वी के आयु का, चट्टानों की आयु का या जीवाश्मों की आयु का। तो सही आंसर होगा 35 का डी, जीवाश्मों की आयु का। ठीक है, अगला क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन है, कच्ची चीनी के रंग विहीन करने हेतु प्रयोग किया जाता है। कास्ट चारकोल, चीनी का चारकोल, एनिमल चारकोल या नारियल का चारकोल। तो सही आंसर होगा 33 का सी, एनिमल चारकोल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन है, रक्त तप्त कार्बन पर जलवाष्म प्रवाहित करने पर क्या होता है। जल गैस, प्रोड्यूसर गैस, एलपीजी, सीएनजी। तो सही आंसर होगा 34 का ए, जल गैस। निम्न में से किसको कार्बोरेंडम के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन आप सभी के सामने में है, ऑप्शन देखिए और आंसर मालूम है तो आंसर प्लीज़ जरूर कीजिए। तो इसका आंसर होगा बी, ठीक है, SiC। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, लिग्नाइट को प्रयोग जाना जाता है, ब्राउन कोल, कोक, एंथ्रासाइट या पीट। किस नाम से जाना जाता है, तो जाना जाता है ब्राउन कोल के नाम से। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ऊपर करते हैं इसे और देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन है, मुलायम कोयला के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है पीट, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट या बिटुमिनस। तो सही आंसर होगा 37 का डी, बिटुमिनस। तो उच्च कोटि का कोयला कौन सा कोयला होता है। ऑप्शन है पीट, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट या बिटुमिनस। तो सही आंसर होगा सी, एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट उच्च कोटि का कोयला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः कौन सी होती है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मार्स गैस या नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो सही आंसर होगा बी, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है वाहनों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीली ज्वाला के साथ जलने वाली गैस कौन सी गैस है। ऑप्शन है ए हाइड्रोजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन मोनोऑक्साइड और डी है कार्बन डाइऑक्साइड। तो सही आंसर होगा 40 का सी, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन है, वातावरण की वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है। ऑप्शन है 0.003%, बी है 0.03%, सी है 0.13% और डी है 30%। तो सही आंसर होगा बी, 0.03%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग बुझाने में काम आने वाली गैस कौन सी गैस है। ऑप्शन है क्लोरीन, अमोनिया, हाइड्रोजन,
CO2, तो सही आंसर होगा डी CO2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी गैस चूने के पानी को दुधिया कर देती है? ऑप्शन है O2, H2, SO2, CO2, तो सही आंसर होगा डी CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर, सोडा वाटर में प्रयुक्त कौन सा गैस होता है? सोडा वाटर जब हम बनाते हैं और पीते हैं उसमें उपयोग गैस कौन सा होता है? ऑप्शन है ऑक्सीजन, अमोनिया, CO2, SO2, तो सही आंसर होगा सी, कार्बन डाइऑक्साइड होता है सोडा वाटर में। शुष्क बर्फ है ठोस पानी, ठोस CO2, निर्जल बर्फ और ठोस H2O2, तो सही आंसर होगा 45 का बी, ठोस CO2 यानी कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा गैस है? ऑप्शन है N2, O2, CO2, SO2, तो सही आंसर होगा सी, CO2। ठीक है, अब आगे देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी गैस है? ऑप्शन है आप सभी के सामने में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड या नाइट्रोजन पराऑक्साइड, तो सही आंसर होगा 47 का ए, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर सेलों में प्रयुक्त होने वाला मुख्य पदार्थ कौन सा है? ऑप्शन है सिलिकॉन, चांदी, सोडियम, कार्बन, तो सही आंसर होगा ए, सिलिकॉन। ट्रांजिस्टर बनाने में आमतौर पर किसका इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन है सिलिकॉन, प्लेटिनियम, एबोनाइट या तांबा, तो सही आंसर होगा ए, सिलिकॉन। संगणकों के आईसी चिप्स पर्याप्त बनाए जाते हैं किस चीज़ का? ऑप्शन है पर्न, क्रोमियम, सिलिकॉन, स्वर्ण, तो सही आंसर होगा 50 का सी, सिलिकॉन। ठीक है, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको बताता हूं कि प्रतिदिन हमारे प्रति वीडियो क्लास होता है हमारे YouTube चैनल पे और हमारे वेबसाइट पे। अगर आप इसे लगातार देखना चाहते हो, प्राप्त करना चाहते हो, तो हमारे वेबसाइट को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, घंटी के बटन दबा दो, लाइक बटन को दबाओ और व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर जो भी यूज़ करते हो शेयर करो ताकि सब तक ये जानकारी फ्री में पहुँच सके। मैं आपको ये भी बता दूं कि कोई भी डाउट कंफ्यूजन हो, जैसे टेक्निकल डिटेल समझ में नहीं आ रहा है, फॉर्म कैसे भरना समझ में नहीं आ रहा है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमारे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो, वेबसाइट के कमेंट बॉक्स में लिखो, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में लिखो, हमारे एक्सपर्ट टीचर आपको संपर्क करके आपकी सहायता ज़रूर 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 करेंगे। और मैं आपको बता दूं, अभी तक हमने जो भी जीके, करंट अफेयर्स, सामान्य ज्ञान, ये सब का जो बना रखा है नोट्स वगैरह, अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रखा है, वेबसाइट पर डाल रखा है, जैसे कि एक्सपर्ट टीचर ने बनाया है, सबका लिंक वीडियो के नीचे वर्णन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में दिया गया है या ऊपर कोने में आई बटन क्लिक करके आप देख सकते हो। अगर आप अपनी तैयारी अच्छी करना चाहते हो तो डेली 2-4 वीडियो हमारे वेबसाइट से देखो, वेबसाइट से पढ़ो, इससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी।